दुनिया की कोई ऐसी औरत नहीं है जो आगे बढ़ी हो और बिना ट्रोल हुए बढ़ी हो, क्योंकि ये पुरुष प्रधानों की जूती समझा जाता है और हमें घंटा फर्क पड़ता है ऐसे पुरुषों से। मैंने पूरा रिसर्च कर डाला, गोरखपुरिया का एक भी वल्गर वीडियो नहीं दिखा मुझे। शातिन, गोरखपुरिया है और विष्णु है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? विष्णु कैसे कर लेंगे विष्णु, कहाँ ट्रोल में रहती। अभी गोरखपुरिया भौजी को लेकर बड़ा पंगा हुआ था, इस तरह से करती मालती ऐसे हो गया माँ, और चिल्ला चिल्ला के गाली दे रही है। अभी समीर को बैठा के आप समझौता कर रही हैं और चिल्ला चिल्ला के करा के अपनी माँ के पास सोया है तो बहन के अच्छा, पास सब क्या है दीदी? बात बताइए, जो व्यक्ति काम करेगा, हम अगर समाज का कीचड़ साफ करने चले हैं तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि कीचड़ मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा? अपना हाथ गंदा करेंगे तब ना कीचड़ साफ करेंगे। तो अगर हम गंदगी साफ कर रहे हैं तो 90 लोग अगर आपकी तारीफ करेंगे तो 10 जो वो कीचड़ टाइप के लोग हैं तो वो तो कीचड़ ही फेंकेंगे ना मेरे। महिला विकास मंच पे भी तो उंगली उठाया जा रहा है। वही तो बोल रहे हैं, उंगली उठाने से क्या फायदा हो गया भैया? तुम्हारी उंगली उठाने से क्या हम डर गए या मेरे काम रुक गया या कुछ हो गया? जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो उंगली उठाने का काम करता है। ठीक है, हमारे पास बहुत काम है इसलिए हम उंगली किसी पे नहीं उठाते हैं। मालती को लेकर आप भी बड़ा चर्चा में रही, मालती और गोरखपुरिया। हम मालती गोरखपुरिया आज देखिए, गोरखपुरिया कम से कम एक हमने उसको अगर बैच लगाया महिला विकास मंच का और बहुत जल्द अभी वो वैष्णो देवी गई है, लौट के आएगी, तो अगर उससे एक बॉन्ड बनवा लेंगे हम लोग कि बेटा आज से तू हमारे साथ उस अभियान में काम करेगी जो अश्लीलता मिटाने का काम होगा। हाँ, गोरखपुरिया। अच्छा। तो बताइए वो एक को तो हमने सुधार, पहले तो ये देखिए, हमें किसी की अश्लीलता कोई कर रहा है समाज में उसे मिटाना है या उसे सुधारना है? तो हमारा काम सुधारना है, मिटाना नहीं। तो गोरखपुरिया कैसे लोग कि अब कहने में भी शर्म आ रही है कि नंगन हो जाती है तो नंगा दिखा देता है। मैं नहीं देखा हूं, मैंने भी नहीं देखा। ट्रोल तो इसी पे हो रहा है ना, ट्रोल की बात मत करो। तो इसी पे क्यों आखिर, एक औरत है वो, अभी देखिए मैं उसका पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूं। औरत है तो उसको ट्रोल होना ही है। दुनिया की कोई ऐसी औरत नहीं है जो आगे बढ़ी हो और बिना ट्रोल हुए बढ़ी हो, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और हमें आज भी पांव की जूती समझा जाता है और हमें घंटा फर्क पड़ता है ऐसे पुरुषों से। तू भाड़ में जा, जितना ट्रोल करना है कर, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, हम भी अब थेतर हो चुके हैं गाली खाते खाते। तो गोरखपुरिया के फुल सपोर्ट करेंगे आप? सपोर्ट, अरे उसको, वो एक छोटी बहन है, अगर भटक गई है तो उसको सुधारने का काम किया जाए। जो नंगनपन था वो हट जाएगा, जो बता रहे थे लोग। अरे गोरख, मैंने पूरा रिसर्च कर डाला, गोरखपुरिया का एक भी वल्गर वीडियो नहीं दिखा मुझे। अच्छा। हाँ, गाने जब वल्गर, अब वल्गर गाने पे डांस कर रही है तो वो गाना उत्पन्न कहां से हो रहा है? वो गाना ना वल्गर बनेगा ना कोई नाचेगा। हाँ, क्या वजह देखने की आप सपोर्ट करें? कभी लोग कहते हैं बड़ा विरोध होता है, बड़ा विरोध है, और आप एकलौती महिला हैं कि सपोर्ट करने लगे मालती चौहान को लेकर। इसका मतलब आपको हमारे पेज पे आज तक समझ में नहीं आया। महिला विकास मंच हर उस महिला को मदद करने के लिए आगे बढ़ती है जिसे समाज ने ठुकराया हो। अच्छा। तो ठुकराई हुई महिला को हम पर्दा डालने का काम करते हैं और उसको फिर मान सम्मान इज्जत के साथ समाज के सामने खड़ा करते हैं। ये तो हमारा पेज है, तो हम अपने पेज से कैसे भटक जाएंगे बताइए? नहीं नहीं सही है, लेकिन महिला विकास पे ही कहती अरे महिला विकास से नहीं सब सुधर जाओ, नहीं तो क्या होता है, तू पुलिस की है तो मैं ये कर दूंगी वो कर, तरह तरह का चेतावनी दे रहा है, ऐसा क्यों? नहीं 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 ऐसा नहीं है। आप ही के कोई थी महिला विकास की जो भी रही होगी? अरे कोई रही होगी, वीना मानवी से बात करो। वीना मानवी अगर बोले तभी मानो, और किसी के मुंह से कुछ भी निकलता है गलत तो समझ जाओ अनुभव की कमी, इसलिए फुहर में बोल दी कोई मेरी मेंबर। ठीक है, लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रोल किया जाए कि मालती चौहान का असली कातिल गोरखपुरिया है और विष्णु है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? विष्णु कैसे कर लेंगे विष्णु, कोई अपने पत्नी का जो प्यार, अपने पत्नी को क्या होता है कि सब कुछ अपने सामने मांग में सिंदूर डलवाता है, वो कैसे फांसी दे सकता है, कैसे उसको मार सकता है? अरे भाई छोड़िए, इस पे मुझे चर्चा नहीं करनी है। हाँ? मैं इस पे बैठी नहीं हूँ चर्चा करने के लिए, इसलिए ये सब छोड़ दीजिए, ये सब गंध है ये लोग, और ये गंध को जेल में ही सड़ने दीजिए, मरने दीजिए साले। मतलब ये जेल में जाएगा? एकदम जाएगा, और उसको बाहर नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, उसको मालती को गंदा बनाया किसने? उसके पति ने बनाया ना। आप अपनी पत्नी को रोड पे ऐसा नंगा नाच कराइएगा तो फिर पुरुष की गलती की महिला की गलती? उसको बेच के खा रहा है, वैसे ही बाबू सोना का भी वही हाल हो रहा है, तो बाबू पिटाएगा कि सोना पिटाएगा? पहले बाबू पिटाएगा। देख लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, जिस तरह से हमेशा ट्रोल में रहती है, हमेशा क्या होता है कि महिलाओं के लिए खड़ी रहती है, तो इनका आवाज लोग दबाने का भी कोशिश करते हैं लेकिन दबता नहीं है आवाज, वो है महिला विकास मंच। अंजू आ गई है पाकिस्तान से, क्या कहना नहीं, अब नहीं।
चलिए बिल्कुल, चलिए ज्यादा समय नहीं लगे चूंकि क्या होता है कि बड़ा सम्मान देती है दीदी, इसलिए हम लोग चले आते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।